are continuing with current class and we are continuing with science and technology. Now we have identified certain questions related to diseases in the previous class. Now we'll be discussing more questions related to technology today. Yes, space technology we'll be discussing today. Before beginning to that, let us just discuss a few more topics related to biology. So, do you all know what is assisted reproductive technology? You know what is assisted reproductive technology? Yes, no. The question may come. What is assisted reproductive technology? Yeh simple sa question aa sakta hai. Usme options diye honge. ठीक है ना, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मान लिया रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, अगर उसमें कोई भी एडिशनल आपको हेल्प चाहिए दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, नॉट फॉर डिलीवरी ऑफ चाइल्ड बट फॉर रिप्रोडक्शन. ठीक है, फॉर रिप्रोडक्शन अगर कोई भी असिस्टेंस चाहिए, नॉट फॉर द डिलीवरी. दैट डिलीवरी के लिए जो तो है दैट इज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सिस्टम, दैट इज नॉट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. क्योंकि इसमें एक ऐसा स्टेटमेंट आता है दैट द डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड इन द हॉस्पिटल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. नो इट इज नॉट. ओके, अब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम समझते हैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन भी एक तरीके से समझते हैं हम लोग. ठीक है, देर आर वेरियस वेज, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी होता है. ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी होता है जो जनरली एनिमल्स में होता है. तो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में विच इज नाउ सेंट टू पार्लियामेंट्री कमिटी. इससे पहले एक और बिल गया हुआ है दैट वॉज रिगार्डिंग द सरोगेसी, तो इसलिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए वॉट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. तो पहला टाइप होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ठीक है, एक पेट्री डिश में एग्स और स्पर्म को फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाते हैं एंड उस एम्ब्रियो को फर्टिलाइज एग जो है उसको दे आर पुटिंग इट इन दी वूम ऑफ द मदर. ठीक है, बाहर फर्टिलाइजेशन होता है इन अ पेट्री डिश, देन इट इज पुट इन दी वूम ऑफ द मदर, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. दूसरा होता है गेमेटे इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर. इसमें क्या होता है, बस दोनों स्पर्म और एग को कंबाइन करते हैं, फर्टिलाइज नहीं करेंगे पेट्री डिश में, फर्टिलाइजेशन होगा बॉडी के अंदर ही. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में पेट्री डिश में करते हैं, इन गैमेटो इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर में सिर्फ कॉम्बिनेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन इज विद इन द बॉडी इटसेल्फ. तीसरा होता है इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन. इसमें क्या करते हैं, दे आर इंसेमिनेटिंग द स्पर्म not by fertilization or by combination, they are transferring it into the body using a narrow long tube so that the fertilization or the combination takes place within the body itself. ye alag alag requirement ke hisab se alag alag technology use karte hain. and chautha hota hai gestational surrogacy mein kya hota hai, that they are fertilizing the egg, they are making the embryo, and that embryo is transferred not into the body of the mother whose egg they have taken, it is transferred into the body of a surrogate where the body is only used as a assistant for delivery. The child will not carry any biological features of the surrogate mother, the surrogate mother is only acting as a body for giving birth to that child. ठीक है, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशनल सरोगेसी. ठीक है, ये चार चीजें होती है, आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं. ओके, कोई दिक्कत वाली बातचीत तो नहीं है. चलो क्वेश्चन का आंसर दो, कमर्शियल सरोगेसी इज इलीगल इन इंडिया, ट्रू और फॉल्स? कमर्शियल सरोगेसी इज इलीगल इन इंडिया, ट्रू और फॉल्स? सर सरोगेसी तो ये सर इतना डीप में नहीं पता, सरोगेसी लीगल है या इलीगल है? सर लीगल है, सरोगेसी लीगल है पर कमर्शियल फॉल्स है ना सर? हाँ, कमर्शियल के लिए फॉल्स, तो ट्रू हो गया ना. सो कमर्शियल सरोगेसी इज इलीगल इन इंडिया, ट्रू तो हो गया. सर क्वेश्चन भी सुनना था. हाँ क्वेश्चन भी सुनना है, सिर्फ ओएमआर देखो, जब पेपर देने जाओगे ना ओएमआर के ऊपर क्वेश्चन पेपर रखना है,
ठीक है, जब पेपर देने जाएंगे तो ओएमआर के ऊपर क्वेश्चन पेपर रखना है, पहले ओएमआर मार्क करके फिर क्वेश्चन नहीं देखना है हम लोगों को, कि इसका आंसर सी होना चाहिए, फिर क्वेश्चन देखेंगे, हाँ सी निकला, ठीक है, ऐसे सर, ऐसे नहीं करना। सर डिटरमिन कैसे करेंगे कि कमर्शियल सरोगेसी है? डिटरमिन ये करते हैं, कोई रिश्तेदार नहीं है, जानते नहीं है उसको, अगर सरोगेसी कर रहा तो पैसों के लिए कर रहा होगा। एल्ट्रोस्टिक सरोगेसी, एल्ट्रोस्टिक सरोगेसी भी अगर हो रही है, दैट विल बी ओनली बी अलाउड विद इन दी रिलेटिव्स, विद इन दी रिलेटिव्स। ओके, बस इतना, इससे ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जानना, मेंस का टॉपिक है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कमर्शियल सरोगेसी इज इलीगल इन इंडिया। ओके, वेरी गुड। नाउ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को सिंपलेस्ट वे समझना, एंटीबॉडीज आप लोग समझते हैं क्या होती है एंटीबॉडीज? सर एंटीजन के डिफेंस में काउंटर करने के लिए जो बॉडीज बनती हैं बॉडी। आप लोग को एक तरीके से ना, एक हम वीडियो ग्रुप पर शेयर करेंगे, उसको देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है हाउ एंटीबॉडीज वर्क। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, उसमें देख लीजिएगा। अब उसमें क्या है, एंटीबॉडीज, अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं तो वो कौन सी डिजीज से आपको वो करने में मदद करेगी, स्ट्रेंथन करने में या बचाने में मदद करेगी, बताओ? अगर एंटीबॉडीज हैं तो कोई भी अगर उससे रिलेटेड होगा, सेम सा होगा, उसको बचा लेगी। मोनोक्लोनल है, मोनोक्लोनल का मतलब है कि जो आपने एंटीबॉडीज उसमें बनाई है फिर उसी से प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, सिर्फ उसी से प्रोटेक्ट करेगी, दैट इज द पर्पस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये आप देखिएगा वीडियो में, बहुत अच्छे से ग्रुप पे शेयर किया है, बहुत अच्छे से उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है, उसको देखिएगा तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, अब रिसेंटली क्या है, इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, मर्क, मर्क इज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी, टू डेवलप कोविड न्यूट्रलाइजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। दे विल बी अभी बना नहीं है, इट इज ओनली एट द कॉन्ट्रैक्चुअल स्टेज। दे हैव अनाउंस दैट दे विल बी मेकिंग कोविड न्यूट्रलाइजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, नाउ एंटीबॉडीज वी ऑल नो दे आर द रिस्पॉन्स अगेंस्ट एन एंटीजन, दे आर रिस्पॉन्स अगेंस्ट एन एंटीजन दैट इज क्रिएटेड थ्रू आर इम्यूनल इम्यूनिटी और आर इम्यून सिस्टम। ठीक है, इट इज द डिफेंस दैट इज क्रिएटेड थ्रू आर इम्यून सिस्टम, वेरी गुड। नाउ what will be the monoclonal activities, they will be the human made antibodies in the immune system which will be cloned by using the unique white blood cells, they will be human made which will act like antibodies in the immune system and they are made through the white blood cell, they have monovalent affinity, it means it will bind only with the part of the antigen that is recognized by the antibody. That is recognized by the antibody. Okay? हाँ जी, तो ये सिर्फ जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बताया कि रेड लाइट पे रुकना होता है ना, इतना आपको सिखा के भेजा, वेरी गुड। अब अगर ट्रैफिक लाइट बंद है तो आप क्या करोगे, ट्रैफिक लाइट बंद हो आप क्या करोगे, हो गए कंफ्यूज ना, रुकोगे कि चलोगे? चलेंगे सर। ये तो हम मान के चल रहे हैं, हम चलेंगे, हम ये भी तो हो सकता है हम रुक जाएं, ये हमारे है ना, हो गया ना कंफ्यूज, यही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है।
अगर आपको बताया कि भाई कोविड का ऐसा एंटीजन आएगा तो आपको एक्ट करना है, करेंगे, नहीं हो तो आप रुक जाएंगे, जरूरी नहीं कर लेंगे। मान लीजिए आपने ली कोई मेडिसिन, उन्होंने देखा अरे कुछ आ गया, उन्होंने कहा कोविड का है, अब तो कोविड की वैक्सीन मार दो सारी वैक्सीन, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, समझ में आ रहा है? सो इट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज सिस्टम, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज सिस्टम, दे आर डिजाइंड, ये सिर्फ वैक्सीन की तरह नहीं, इनके बहुत काम होते हैं। क्या होता है, ड्रग्स को कैरी करना, दे विल बी कैरिंग ड्रग्स डायरेक्टली, ड्रग्स लेगा दैट विल ऑटो इम्यूनली और क्लोन दी एंटीबॉडीज, सो इट विल वर्क। दे विल कैरी टॉक्सिन्स, हमने बताया टॉक्सिन बेस्ड वैक्सीन भी होती हैं, दे विल कैरी टाइप ऑफ वैक्सीन, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस डायरेक्टली टू अफेक्टेड एरियाज, ठीक है, डायरेक्टली टू अफेक्टेड एरियाज, दे आर यूज टू ट्रीट मेनी डिजीजेस इंक्लूडिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर, ठीक है, सम टाइप्स ऑफ कैंसर। नाउ एंटीबॉडी क्या होता है, उसमें बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा, एंटीबॉडीज क्या होता है बताया हुआ, देख लीजिएगा, ठीक है। एंटीजन जो आया, एंटीबॉडी बॉडी जो उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स, ठीक है, उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स, ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है। CRISPR-C9 के बारे में जानते हैं, CRISPR-Cas9? CRISPR तो सर प्रोटीन प्रोटीन टाइप होता है, कुछ प्रोटीन टाइप होता है, जीन सीक्वेंस को चेंज करना। वेरी गुड, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, CRISPR-Cas9 पे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को सेंड किया, जिनके पास फोन नहीं है, डिवाइस नहीं है, हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज? अच्छा, वहीं से प्रोटीन याद था आपको, क्वेश्चन सही। व्हाट इज Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज? पहला, अ मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। सेकेंड, अ बायोसेंसर यूज्ड इन एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस इन पेशेंट्स, अ जीन दैट मेक प्लांट्स pest resistance. Fourth, a herbicidal substance synthesized in genetically modified crops. ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, द आंसर विल बी ए, ठीक है, आंसर विल बी ए। तो इसका मतलब क्वेश्चन आया है तो हमारे यूपीएससी में दोबारा भी पूछ सकते हैं, अब तो नोबेल प्राइज भी मिल गया है ना। नोबेल प्राइज ये किस चीज के लिए मिला है, मेडिसिन के लिए, बायोलॉजी के लिए, सर जीन एडिटिंग नहीं, कौन सा सब्जेक्ट में मिला है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ठीक है, जीन एडिटिंग बायोलॉजी मेडिसिन में नहीं मिला है, केमिस्ट्री मिला है, ध्यान रखिए, पता लगा, सब कुछ पता लग गया और वहां कह रहे हैं केमिस्ट्री नहीं, नहीं केमिस्ट्री में कैसे मिल सकता है, केमिस्ट्री में हमने ये सब तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो हमने बायोलॉजी में पढ़ा था या मेडिसिन पढ़ा था, तो उसका आंसर गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट तो गलत कराएंगे,
सोचो कितना बुरा लगेगा, सब कुछ पढ़ने के बावजूद ये भूल गए कि कौन से सब्जेक्ट में था, और ऐसा हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता सर, ये ज्यादा फ्रिक्वेंट होता है सर, है ना। इसीलिए कभी भी पढ़े हमेशा आंसर याद करने के साथ साथ क्वेश्चन भी याद करें, है ना, क्वेश्चन भी याद करें। जनरली हम आंसर ही याद करते हैं, क्वेश्चन देखते ही नहीं है, जब हम जनरली पढ़ रहे होते हैं ना, हम क्वेश्चन नहीं देखते, आंसर देखते, आंसर याद करते हैं, और दिक्कत यही है, दिक्कत यही है कि क्वेश्चन भी पढ़ना है। तो अभी क्या हुआ है 2020 में, इमैनुएल चारपेंटियर ऑफ फ्रांस एंड जेनिफर ए डूटना ऑफ यूएसए, नो नीड टू रिमेम्बर द नेम्स। यूपीएससी के अगर आप 20 साल के पेपर अभी तक कर चुके होंगे तो आपने नहीं देखा होगा कि नोबेल प्राइज के विनर्स का नाम पूछा हो, और स्टेट सर्विसेज अगर आप देखे होंगे तो हर साल पूछते हैं, ठीक है, यूपीएससी कभी नहीं पूछते, स्टेट पूछता है, क्योंकि यूपीएससी वालों को पता है कि स्टूडेंट हमें वो चाहिए जिनको क्रिस्पर कैस नाइन पता हो, स्टेट सर्विस वालों को पता है कि अगर इन्हें क्रिस्पर कैस नाइन पता होगा तो अगले साल यूपीएससी देके निकल जाएंगे, ऐसा की मैं जरूरत ही नहीं है, सीधी बात है, सीधी बात है, उन्हें ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो अच्छे हैं, लेकिन वो नहीं चाहिए ना जो एक सीट भी खा गए और अगले साल फिर वैकेंसी हो जाए। स्टेट सर्विसेज बनाने को क्या वो अच्छा पेपर नहीं बना सकते, सब टैलेंटेड लोग हैं वहां पर, तो इसीलिए नहीं बनाते, क्योंकि वो टारगेट ऑडियंस, मतलब टारगेट एग्जामिनेशन सबका अलग अलग होता है, ओके, समझ में आया, वेरी गुड। तो कौन से सब्जेक्ट में मिला है, केमिस्ट्री में, किसको मिला है, डू नीड टू रिमेम्बर द नेम, सिर्फ देख लिया यूएसए एंड फ्रांस के हैं, ठीक है, तो इनको क्या डेवलप करने को मिला है, फॉर डेवलपिंग क्रिस्पर क्रैस नाइन दी आर दी जेनेटिक सीजर्स, बस इतना ही पता होता तो भी क्वेश्चन सॉल्व कर देते, हाँ जी जेनेटिक सीजर है, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इट इज वन ऑफ दी जीन्स टेक्नोलॉजी टूल्स। अब क्रिस्पर क्या है, इट इज दी क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्या है, देखो, क्लस्टर्ड जेनेटिकली से क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, यानी के ये जो एरिया है पैलिंड्रोमिक है, यानी के 1-2-1 आगे से भी वैसा पीछे से भी वैसा, पैलिंड्रोम होता है जो आगे से भी वैसा पीछे से भी वैसा, ठीक है, जैसे आपने नंबर्स देखे होंगे 777 आगे से भी 777 पीछे से भी 777, ठीक है, कुछ नेम्स होते हैं, ठीक है, कुछ नेम्स होते हैं, जैसे कि एक नेम है नितिन इज अ पैलिंड्रोम, उल्टा लिखे सीधा लिखे इट इज अ पैलिंड्रोम, है ना, ये पैलिंड्रोम। तो इसमें क्या है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटर स्पेस्ड, यानी के रेगुलरली स्पेस्ड है और एक ही तरीके के कैरेक्टर उसमें जीन्स है जो आगे से पीछे से सेम दिखते हैं, ठीक है, पैलिंड्रोमिक रिपीट, और रिपीट हो रहे हो बार बार। इनकी सिक्वेंसिंग करने की जो टेक्नोलॉजी थी इसको बोलते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, ठीक है, जीन सीक्वेंसिंग को बहुत इजी बना देते हैं, जीन सीक्वेंसिंग को कैसे करेंगे, इंटरस्पेस करके रेगुलरली उनको पैलिंड्रोमिक फॉर्म्स में बना देना है। ये पहली बार नहीं हुआ है, हर चीज में होता है, प्लांट्स में तो बहुत बार यूज होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, एंड इट इज यूज फॉर दी वैक्सीन डिलीवरी ऑल्सो। अब इसमें अगर आपको सीजर से कुछ काट के हटाना है तो उसमें आप क्या यूज करेंगे, कैस नाइन, क्रिस्पर तो जीन सिक्वेंसिंग है ना, पैटर्न, अगर उसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो फॉर दैट दैट इज यूज्ड एज दी कैस नाइन। तो अगर आप समझेंगे ये तो आपका क्रिस्पर है, अगर इसमें कटिंग करके कुछ ये हटाना है और ये लगा के ऐसा बनाना है तो ये कैस नाइन से होगा, बस इतना याद रखेंगे तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो दीज आर द टाइप ऑफ जेनेटिक सीजर्स, ओके, वेरी गुड। एक हेपेटाइटिस बी से क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, क्या आप कर पाएंगे देखते हैं, हेपेटाइटिस बी नहीं सी से, सॉरी, कह रहे हाँ आप तो हम कर लेंगे, वही बी सी में कंफ्यूज थे बस, है ना, तो आगे तो हम कर लेंगे, हमें कुछ सब याद है हमको, एक
कब का क्वेश्चन है, 2020 का है शायद, नहीं 2019 का ही है। देखिए ग्रुप पे क्वेश्चन सेंड किया है, ये करके बताइए, ये करके दिखाओ। मिल गया, ग्रुप पे सेंड करते हैं ना, मिल गया ना, तो हम मिला होगा। तो बी है इसका, बी है, वेरी गुड, बी। ठीक है सर, तो आपने कैसे सॉल्व किया कि हमने तो लगवाई हुई है, बट इट इज बी की वैक्सीन है ना, बचपन में घर वाले लगवा देते थे, बस ऐसे हो गया, वेरी गुड। तो इस बार जो मेडिसिन का प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन मिला था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस सी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस सी इन 1982, ठीक है, 1982 बाय अमेरिकन virologist Harvey J. Alter and Charles M. Rice, and along with British Michael Horton, ये मिला है आपको। इसके लिए hepatitis C पता होना चाहिए। hepatitis का मतलब होता है किसी भी तरीके का inflammation, ठीक है, किसी भी तरीके का inflammation। तो hepatitis is an inflammatory condition of the liver. It is a viral infection, ठीक है, hepatitis is a viral infection. पांच टाइप के hepatitis होते हैं, A, B, C, D, E. ठीक है, ए बी सी डी ई। सिर्फ हेपेटाइटिस सी के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ए बी ई हैज अ वैक्सीन, एंड द वैक्सीन फॉर बी वर्क्स फॉर द वैक्सीन एज फॉर डी। ठीक है, हेपेटाइटिस सी स्प्रेड्स इन द सेम मैनर द वे एड्स कैन स्प्रेड, ठीक है, द वे एचआईवी स्प्रेड्स इन अ सिमिलर मैनर हेपेटाइटिस सी स्प्रेड्स, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, दैट मेक्स इट मोर डेंजरस। ओके, समझ में आया, गुड। आप क्या, आपको आईआरएनएसएस के बारे में पता, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, कुछ नहीं पता है, वेरी गुड। पास्ट ईयर पेपर नहीं देखे, नाविक के बारे में पता है, नाविक, NAVIC, वेरी गुड। क्या होता है नाविक, पता है, प्री में नहीं, मेंस में भी आ चुका क्वेश्चन है, प्री तो छोड़ ही दो, मेंस में पूछा, आईआरएनएसएस के बारे में लिखिए, तो पहले आपको क्वेश्चन भेजेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे, है ना। आप लोग सोच रहे हो
साइंस साइंस तो फिर बेसिक से आ रहा है ना, साइंस तो फिर बेसिक से आ रहा है, ऐसे कैसे? हम लोग सोचते हैं सिर्फ साइंस करंट से आएगा, टीम में आया था 3 साल बाद फिर पूछ रहे हैं, ठीक है करके देखिए, ये करके दिखाओ। ए, अच्छा There are one and two only. ए बी सी डी बताओ बेटा, B. बी ठीक है। चलिए, विद रेफरेंस टू द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, ठीक है, IRNSS हैज 3 सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट इन जियो सिंक्रोनस, ठीक है, 3 सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी एंड 3 एंड 4 सैटेलाइट इन जियो सिंक्रोनस। IRNSS कवर एंटायर इंडिया एंड अबाउट 5,500 किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। 15,000, 1,500. हाँ, थर्ड, इंडिया विल हैव इट्स ओन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम विद फुल ग्लोबल कवरेज बाय द मिड ऑफ 2019। नॉट श्योर. नॉट श्योर बेटा, अगर ग्लोबल कवरेज होती इसका नाम रीजनल ना होता, है ना? देखो, हमें नहीं पता कुछ भी क्या रेंज है, ठीक है, नाम रीजनल है इसका मतलब ग्लोबल तो नहीं है, वेरी गुड। और अगर रीजनल है, अगर 5,500 हम करेंगे तो ये तो ग्लोबल बन जाए, अगर आप इंडिया के 5,500 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया कवर करेंगे तो ग्लोबल बनने के स्कोप है ना, रीजनल के तो बाहर निकल गई, तो इसलिए भी गलत। तो आंसर विल बी ए, वन ओनली, ठीक है, ए वन ओनली। ओके, सर एक क्वेश्चन था जनरल, मतलब पेपर से जैसे कुछ सवाल आते हैं ना, जैसे IRNSS का आया है तो ये जरूरी है जैसे प्रीवियस ईयर्स के कर रहे हैं तो वो उस साल के करंट में रहा होगा इसीलिए वो आया है, या फिर मतलब ना वो इम्पोर्टेंट है, वो जैसे आप लोगों ने IRNSS छोड़ दिया तो आपको पता होना चाहिए IRNSS है क्या, यूपीएससी ने पूछा है तो गारंटी नहीं है ना दोबारा ना पूछ ले। अगर हमारे पास एक अपना सैटेलाइट सिस्टम है तो आज भी था, कल भी है, कल भी रहेगा, है ना? तो अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहीं नहीं लिखा हुआ है करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 3G से क्वेश्चन पूछा ना, 3G तो पुराना हो गया, आप लोग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5G से, आप लोग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5G। यूपी ने कहा अच्छा 5G चाहिए, पहले 3G तो बताओ, फिर आएगा 5G कभी, है ना? समझ में आया? वेरी गुड। जीपीएस के बारे में सुना है? जीपीएस क्या होता है? जीपीएस ग्लोबल प्रोजेक्शन सिस्टम. चलो, ग्लोबल प्रोजेक्शन सिस्टम क्या होता है? ठीक है, लोकेशन वेरी गुड। जीपीएस से क्वेश्चन तो आ ही चुका है, उस दिन पूछा था कहाँ कहाँ यूज हो सकता है जीपीएस, यानी कि किसी भी चीज की लोकेट करने के लिए। लोकेट कैसे करता है वो सैटेलाइट के थ्रू? सैटेलाइट. वेरी
वेरी गुड। जीपीएस कहाँ का है? यूएसए का, ठीक है। जीपीएस जैसा ही हमारे पास भी सिस्टम है जिस बोलते हैं आईएनएसएस, जिसका नाम रखा है नाविक, ठीक है, इसका नाम रखा हुआ है नाविक। ये हमारा इंडियन मेड नेविगेशन सिस्टम है, इसको हम जीपीएस नहीं बोलेंगे, इंडियन जीपीएस नहीं बोलेंगे, दैट दीज आर कॉल्ड एज नेविगेशन सिस्टम, ओके, नेविगेशन सिस्टम, नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो अब देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, अब बहुत अच्छे समझिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, अब आप समझिएगा इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन की या इस टॉपिक की, कि पहले पूछ चुका है तो अब तो दोबारा पूछ ही सकते हैं। वेरी गुड। तो इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज हैविंग इट्स इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सिस्टम, ये इस साल आ रहा है क्वेश्चन, लिख लो, ये इस साल आ रहा है, ठीक है। आ जाएगा तो पता ही आप लोगों को पेटीएम का जो है रेट बता दें, है ना, इस साल ये क्वेश्चन आ रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री, मतलब सोचिए जापान, फ्रांस, यूके, इतनी बड़ी बड़ी कंट्री की उसमें इंडिया ने पीछे छोड़ा है। इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव इट्स इंडिपेंडेंट रीजनल इंडिपेंडेंट। देखियो गैलीलियो भी है आपका यूरोप का नेविगेशन सिस्टम, उसको नहीं एक्सेप्ट किया उन्होंने, यूरोपियन नेविगेशन सिस्टम इज गैलीलियो, दे हैव नॉट एक्सेप्टेड इट, बट इंडिया इज नाउ एक्सेप्टेड एज अ रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बाय इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम, वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। अदर्स कौन से हैं? यूएस का जीपीएस, रसिया का ग्लोनास एंड चाइना का बेदू, चाइना का बेदू, ओके, दी थ्री अदर्स। अब इंडिया का देखते हैं क्या है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ होगी, पहले एप्लीकेशन देख ले फिर समझेंगे। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है, जो भी काम आप सैटेलाइट के थ्रू कर सकते हो कर लोगे, खत्म कहानी, जो भी काम आप सैटेलाइट के थ्रू कर सकते हो कर लोगे। क्या क्या कर सकते हो सैटेलाइट से? टेरेस्ट्रियल एयर एंड मरीन नेविगेशन, नेविगेशन कर सकते हैं सैटेलाइट से, यहां से सैटेलाइट को सिग्नल भेजा, बताओ क्लोजेस्ट बेकरी नियर मी, है ना, है ना, है ना, ये तो करते हैं, ये तो क्लोजेस्ट बेकरी नियर मी, उनका बर्थडे आएगा तो केक तो लेके जाओगे, और ऑनलाइन थोड़ी डिलीवरी, ऑनलाइन में भरोसा है, नहीं लेके जाओगे, हाँ क्यों, हाथ, अच्छा हाथ से बनाओगे कि ये तो सूडो सूडो आशिक खरीदते हैं, हम तो हाथ से बनाते हैं, हाँ बताओ क्या करो, उनका बर्थडे क्यों, केक क्यों ले जाओगे उनका बर्थडे, वो काटते नहीं केक, नहीं सर उनका कौन किसको लेके जाना है भी वो पता है, अरे उनका कोई भी किसी का भी बर्थडे हो लेके तो जाओ केक, कह रहे उनके से मतलब ही नहीं है, जब उनके से हम उनका सब बॉयकॉट उनको है, स्टेट जहां आपने हमने लगा रखा ना, मैं भी चौकीदार उसी के नीचे, बॉयकॉट उनको, अरे गुड। तो कुछ भी हो चलो, क्या सर्च करना, क्या सर्च करना, कुछ और सर्च कर लेते, जीपीएस से कुछ और सर्च करा लेते, तो क्या सर्च करना, नियरेस्ट पेट्रोल पंप, है ना, नियरेस्ट पेट्रोल, कि आज ही जो है घरों ने बोला कि जायदाद तो तुम्हारा हिस्सा, तो इससे अच्छा मौका क्या, पेट्रोल डलाने का, पेट्रोल डला लेते हैं, आज तो पैसा ही पैसा है ना, पहले उनको भी तो होना चाहिए, तुम लोग जो है ना सबका दर्द वही है, उनको भी होना चाहिए, सिलेक्शन ले लो, जब ऐसे फोटो खिंचवाओगे ना सारे उनको आ जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मैसेज आएंगे इंस्टाग्राम पे, हो गए कि समवन इज ट्राइंग टू सेंड यू मैसेज, जैसे अभी उनके पास आपके पड़े हुए हैं ना, क्योंकि सिर्फ आप फॉलो कर रहे हो, फॉलो बैक नहीं करते आपको, ठीक है, तो आपके पास भी ऐसे बहुत सारे आएंगे, बस पढ़ लो, ओके, सर्च किया नियरेस्ट पेट्रोल पंप नियर मी, मतलब पेट्रोल पंप नियर मी, करते हैं ग्राउंड पे ढूंढ रहे हैं, है ना, फटाक से काम हो जाएगा, एरियल नेविगेशन का काम हो जाएगा, अगर आप जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल पे बैठे हैं और आपको सैटेलाइट से रास्ता पता करना है कि यहाँ से कहाँ जाना है, तो क्या हो सकता है वो आईएनएसएस से, बिल्कुल हो सकता है, मरीन नेविगेशन हो सकता है, मरीन नेविगेशन शिप में जा रहे हैं, है ना, शिप में जा रहे हैं, किसी बोट में जा रहे हैं, तो मरीन नेविगेशन हो सकता है, वेरी गुड। डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आ सकता है ना, व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट में आ सकता है,
वेरी गुड. इंटीग्रेशन विद मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन से सब काम कर सकते हैं सर. जीपीएस वाला काम कर रहे हैं ना सर ये? हाँ बेटा, ये जीपीएस ही है, बस इंडियन जीपीएस है. इसको हम बोलेंगे नाविक. जीपीएस वाला काम कर रहा है, लेकिन जीपीएस वाला काम तो जीपीएस तो ये वैसे ही हो गया जैसे हम अपने जो टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हैं, कहते कोलगेट करते हैं, टूथपेस्ट थोड़ी यूज होता है वो. वही वाली चीज जीपीएस के साथ हो गई है. जैसे वो देखा हो, ऐसे ऐसे बजाते हैं जिसको टिंग टिंग टिंग, तो बड़ा वाला होता है, उसे तो पियानो कहते हैं. छोटे वाले को क्या कहते हैं? हाँ कैसी हो? हाँ बस कैसे बेटा, कंपनी का नाम उसको बोलते हैं कीबोर्ड, बोले सिंथेसाइजर बोलते हैं. कीबोर्ड तो कंप्यूटर में होता है, उसका असली नाम है सिंथेसाइजर. ठीक है, क्योंकि तो बहुत सारी वॉइस जो है क्यों सिंथेसाइज होती है, लेकिन हम कैसे जानते हैं उसको, कैसियो ना. क्यों? क्योंकि कंपनी कैसियो ही फेमस है उसके लिए. ओके, ऐसे ही जीपीएस जो है, इट इज जस्ट द नेम ऑफ द यूपी यूएसएस नेविगेशन सिस्टम. ठीक है, इसको इंडिया का जीपीएस नहीं बोलेंगे, इंडिया का नेविगेशन सिस्टम बोलेंगे. ओके, समझ में आ रहा है क्लैरिटी की? नाविक का कोई फुल फॉर्म है क्या? नाविक का फुल फॉर्म नहीं, नाविक मतलब एक बार चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने तो पढ़ा नहीं आज तक, एक बार देख लेते फिर भी, क्या पता हो. नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन. ठीक है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन नाविक इज. ये अच्छा है, इसलिए हमने चेक ही कर लिया, जिसका कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, हम चेक कर लेते हैं. नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन. कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? जैसे स्टार्स का एक कॉन्स्टिलेशन होता है ना, एक फिगर बना लेते हैं, सैटेलाइट्स का कॉन्स्टिलेशन हमने बनाया हुआ है. ठीक है, वेरी गुड. तो डिजास्टर मैनेजमेंट करेगा, प्रिसाइज टाइमिंग भी कर सकता है. जीपीएस एनेबल्ड वॉच भी आ गई है ना जैसे आजकल, है ना, सैटेलाइट लिंक्ड ऐसे ही वॉचेस करता है. मैपिंग एंड जियोडेटिक डेटा कैप्चर, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन एड फॉर हाइकर्स एंड ट्रैवलर्स, विजुअल वॉइस नेविगेशन फॉर ड्राइवर्स. ठीक है, ये बात मान के चलिए आपको लगभग सारे काम इसमें होंगे. ठीक है, लगभग सारे काम इसमें होंगे, लेकिन ये ग्लोबल नहीं है, रीजनल है. अगर आपको इंडिया में करना है सर्च तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं. लेकिन अगर आप यहाँ से सर्च करेंगे कि हमें तैर के जाना है, सेकंड गेम होता है केन्या तक तैर के जाएंगे, ठीक है, वो सर्च करना वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ग्लोबल में आ जाता है. ठीक है, तो हाउ टू गो स्विमिंग फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, उस पर आप नहीं सर्च कर सकते. बाकी हाउ टू गो थ्रू स्विमिंग टू श्रीलंका आप कर सकते हैं. ओके, समझ में आया? वेरी गुड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. पर्पस समझ गए? पर्पस समझ गए? ये देखिए, एक्सटेंडेड एरिया सर्विसेज लाइज बिटवीन दी रेक्टेंगल फ्रॉम लैटिट्यूड 30 डिग्री साउथ टू 50 डिग्री नॉर्थ. इंडिया के 500 किलोमीटर ऊपर, 500 किलोमीटर नीचे. ठीक है, वेरी गुड. लॉन्गिट्यूड 30 to 130, लॉन्गिट्यूड 30 to 130, वेरी गुड. देखिए अब ये है पूरा, अच्छे समझ. अच्छा, अगर आपके अभी फोन में आप नाविक डाउनलोड करना चाहे तो कर लेंगे यूज. हाँ, फोन में नाविक डाउनलोड करना चाहे तो कर लेंगे यूज. यस नो, आरएनएसएस यूज करना चाहे अपने फोन में अभी कर लेंगे. नहीं कर सकते, इसके लिए अलग से जो है आपको डिवाइस चाहिए. अभी आपके फोन में सिर्फ जीपीएस रिसीवर्स हैं. अगर जीपीएस रिसीवर के साथ साथ आपको नाविक रिसीवर्स होंगे तभी चल पाएगा. ठीक है, तो इट हैज 7 सैटेलाइट्स, 3 आर जियो स्टेशनरी. देखिए जो ब्लू कलर की सैटेलाइट्स हैं, दीज आर जियो स्टेशनरी, एंड 4 आर जियो सिंक्रोनस. ठीक है, 4 आर जियो सिंक्रोनस. जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट मूव इन सच अ डायरेक्शन दैट दे अपियर दैट दे आर मेकिंग एनेट, और ये ऐसे मूव करते हैं जैसे स्टेशनरी हैं. जियो स्टेशनरी है क्योंकि यानी के देयर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इज सिंक्रोनाइज, तो वो ऐसा लगेगा कि ये स्टेशनरी, और ये ऐसे मूव करते हैं जैसे एट बना रहे.
How many geostationary there are? 3. Geosynchronous there are 4. They are orbiting at the altitude of 36,000 kilometer. यानी कौन सी orbit में है? 36,000 kilometer कौन सी orbit है? Low Earth orbit. के geostationary. अरे geostationary तो geostationary orbit ही तो होगी, है ना? तो polar satellites नहीं है, geostationary है. अब ये क्या है? इंडिया के 1500 किलोमीटर एंड बियॉन्ड इट्स बॉर्डर तक कैप्चर करता है, मतलब 1500 किलोमीटर तक. रूबिडियम क्लॉक्स हैं इन ईच ऑफ द सैटेलाइट फॉर एक्यूरेसी. जीपीएस रिसीवर्स विल नॉट वर्क एंड दे नीड स्पेशल रिसीवर्स व्हिच आर येट टू बी डेवलप्ड. ठीक है, ऐसा नहीं अब नया फोन आप लोगे तो सर्च कर रहे हो आई वॉन्ट अ फोन विद अ जीपीएस विद अ नाविक रिसीवर. अभी बन रहे हैं, ठीक है, अभी बन रहे हैं और हर फोन में लगभग आ ही जाएगा. Is it only for military purposes? Is it used only for military purposes? बताइए, true false? It is used only for military? No, it is open to all. What does it provides? It provides standard positioning service, not global positioning service. It provides and standard positioning service. Is it accurate? Yes, it is accurate till 20 meters. ठीक है, better accuracy till 20 meters. ये देख लीजिएगा. यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन? वेरी गुड. जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में क्या डिफरेंस होता है? सो जियो स्टेशनरी उसी पोजीशन के ऊपर स्टेशनरी अपीयर करते हैं और जियो सिंक्रोनस बार बार उसी टाइम पर पीरियोडिकली वहां पे आते हैं. ठीक, वेरी गुड. मतलब वो उनकी जो टाइमिंग है वो अर्थ के हिसाब से सिंक्रोनस होती है या स्पीड उसके हिसाब से होती है, लेकिन जरूरी नहीं हो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही हो. ठीक है, तो जरूरी नहीं हो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में. ये सब आपने बेसिक साइंस टेक में पढ़ा हो, है ना? वेरी गुड. यहाँ तक कोई दिक्कत, कर लेंगे आईआरएनएसएस वाला क्वेश्चन. अब तो एक बार इसको देख लीजिए, एक बार ना जो पूरा ये इमेज है इसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए सो दैट आपको दिमाग में रहे. पूरा विजिबल है ना पूरी इमेज? Just go through it so that it provides you clarity. चलिए अब आगे चलते हैं. इसरो का ना एक प्रोग्राम है, रिस्पॉन्ड प्रोग्राम. ठीक है, रिस्पॉन्ड प्रोग्राम का पर्पस क्या है? इट वांट्स टू एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद प्रीमियर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस विद इन द कंट्री टू कैरी आउट आरएनडी प्रोजेक्ट्स व्हिच आर रेलेवेंट टू स्पेस. ठीक है, एंड डिराइव यूजफुल आउटपुट्स ऑफ सच आरएनडी टू सपोर्ट इसरो प्रोग्राम्स. एकेडमिक सपोर्ट प्रोग्राम है वेयर दे विल बी
they'll be supporting the R&D programs, and if it is beneficial, they'll be using it in the programs of ISRO itself. Okay, this is the RESPOND program. अब इन्होंने क्या साइन किया IIT Delhi के साथ, सपोर्ट तीन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने की बात, सॉरी एट प्रोजेक्ट्स को जॉइंट रिसर्च की बात करी है, दैट विल बी सपोर्टेड फॉर 1 to 3 इयर्स. इट इज पार्ट ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी सेल ऑफ IIT Delhi आल्सो. बस ये है, RESPOND प्रोग्राम इसरो का है. कुछ कुछ चीजें जाननी है इसमें. RESPOND प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, फर्स्ट थिंग स्पेस. RESPOND प्रोग्राम इज रिलेटेड टू स्पेस, इट इज ऑफ इसरो. इसका IIT Delhi से कोई लिंक नहीं है. IIT Delhi के साथ तो इन्होंने भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है. RESPOND प्रोग्राम इज ऑफ इसरो. इसरो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? इसरो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ओके, वेरी गुड. आगे चलते हैं. हाँ जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन सी मिनिस्ट्री आ गई? हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन सी मिनिस्ट्री आ गई? हो सकता है हमने एक आधी न्यूज़पेपर ना पढ़ा हो, तो बता दो कोई आ गई, नहीं तो बता दो, ऐसे मत करो. ये तो अच्छा क्वेश्चन हो गया, वो तो लगा आप लोग बता दोगे. डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है. मिनिस्ट्री तो बता दो, डिपार्टमेंट तो बता दिया हमने. सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. नहीं, पीएमओ के अंडर है डायरेक्टली. एज अ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है. अच्छा क्वेश्चन बन गया है तो, अगर आ जाते तो. लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ही है अभी तो, ठीक है ना. तो इनडायरेक्टली क्या, इनडायरेक्टली तो सही हो गया, है तो प्राइम मिनिस्टर के अंदर ही. हाँ, तो इनडायरेक्टली सही है, ठीक है. कोई मिनिस्ट्री नहीं है डायरेक्ट अंदर दी पीएम, ठीक है. वेरी गुड. आदित्य मिशन किस लिए है? आदित्य मिशन, आदित्य आदित्य आदित्य. बताइए आदित्य मिशन किस लिए? सुना नाम सर, टू स्टडी द सन. वेरी गुड. सन, सन में क्या स्टडी करेंगे? चलो ये आज के नहीं, बहुत साल पहले से करंट अफेयर्स चलते आ रहे हैं. ये रिपीट ऐसा नहीं कुछ नया आते जिसमें होता है करंट अफेयर्स. और करंट अफेयर बिना बेसिक के क्या ही कर लोगे? पढ़ लिया आपने कि भाई जो है अगले साल आदित्य एल्बम लॉन्च हो रहा है, पढ़ लिया आपने. मनाली नोट्स क्या है आदित्य, जब तक L1 क्या है इसमें, L1 L2 L3 क्या होता है ना, ये जानना है. हम तो पढ़ रहे हैं कि ये इसमें हो रहा है, लेकिन हमें पहले जानना आदित्य मिशन है किस लिए. आदित्य मिशन है, आदित्य मिशन है ये हेलो ऑर्बिट सन के अराउंड लैग्रेंजेस पॉइंट होते हैं 1 2 3 4, ठीक है. तो हम जो L1 लैग्रेंज पॉइंट है यहाँ पर अपना एक ऑर्बिटिंग मिशन भेजेंगे, जिससे वी कैन स्टडी अबाउट द सन्स प्रोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना, ठीक है. वी विल बी ऑब्जर्विंग थ्रू आदित्य L1 अबाउट द प्रोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना. ये क्या और पड़ेगा? इट विल स्टडी द ओरिजिन ऑफ सोलर स्टॉर्म्स, ठीक है, and their path through interplanetary space from the sun to the earth. मतलब sun और earth के बीच में Lagrange point होगा, and they will study the origin of solar storms and their path. तो earth पे कैसे जाते, कहाँ जाते, पूरा study करेगा. And this information will help us in space weather prediction. Space weather prediction, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया?
वेरी गुड. अब ये क्या है हमारा आदित्य L1 मिशन क्या है? इट विल कैरी 7 पेलोड्स इट विल बी डेवलप्ड बाय वेरियस इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री. दिस मिशन व्हेन विल इट विल बी लॉन्च इट विल बी प्रोवाइडेड अ ग्राउंड सेंटर. द रोल ऑफ द ग्राउंड सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय एरीज फैसिलिटी नैनीताल. एरीज फैसिलिटी मीन्स आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेज. L1 सपोर्ट सेंटर विल प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर द यूजर्स. And apart from this, it will provide ready-to-use Python and Java apps for satellite data and demo. इतना ये तो याद ना रहना है, ना आपको याद करने की ज़रूरत है, बस याद करिएगा. Support will be provided by Aries Center, Nainital. It will be reading the suns, not only corona. Question देखो, अगर पूछेगा ना, पूछेगा, it will be reading suns core. ठीक है? ये question पूछ सकते हो. Suns के core तक कोई पहुंच पाया है? सिर्फ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है. बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, सिर्फ शायद एक मिलियन 1.8 मिलियन डिग्री सेल्सियस है बस. यो यूं कर लोगे आप, है ना, 1.8 मिलियन डिग्री सेल्सियस. तो कोर का कैसे रीड करोगे, है ना? तो हम इतना ज्यादा नहीं कर सकते. समझ में आया? वेरी गुड आदित्य. L1 समझ गए, सपोर्ट सेंटर समझ गए, वर्कआउट. अब इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च करी, अब ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1. इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च करी है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1, और इसके साथ कंज्यूमर सैटेलाइट भी लॉन्च करी है. इंडिया का लॉन्चिंग स्टेशन कहां पर है? वेयर इज आवर लॉन्चिंग स्टेशन? श्रीहरिकोटा. कौन से स्टेट में पड़ता है? वेरी गुड. कौन सा लेक है उसके पास? पुलिकट. वेरी गुड. क्या रामसर में है? नहीं है. याद करने का, हमारा सैटेलाइट स्टेशन है तो उस जगह को तो हम साफ ही रखेंगे हम लोग. ठीक है, तो साफ रखा हुआ है इसलिए उसकी जरूरत नहीं है. रामसर में, रामसर में इंक्लूड होना कोई अचीवमेंट नहीं है, बात ध्यान रखिए. रामसर में इंक्लूड होना कोई अचीवमेंट नहीं है. मतलब आप ऐसे हो रहा है यार, हमारा तो लेक इंक्लूड ही नहीं हो रहा हमारी सिटी का, तो है ना, दैट इज नॉट एन अचीवमेंट. समझ में आ रहा है? वेरी गुड. तो कहां से लॉन्च हुई? श्रीहरि कोटा में स्पेस सतीश धवन स्पेस सेंटर. ठीक है, आइलैंड का नाम भी बता दो अगर इतना ही है तो. आइलैंड है यहाँ पर, जहां पर ये लोकेटेड है श्रीहरि कोटा में, ये जाना है बैरन आइलैंड. ठीक है, उसको बोलते हैं बैरन आइलैंड. ठीक है, और चलो जो मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ है हमारा? हाय राम, नहीं कैसे, ये कैसे, तमिलनाडु में. फिर अच्छा क्वेश्चन होगा. हाँ जी, ओडिशा. हाँ ओडिशा. नाम क्या है, नाम बता दीजिए. सर बालासोर. नहीं, जगह नहीं, हम स्टेशन का नाम बोल रहे हैं. जैसे ये श्रीहरिकोटा है ना, सतीश धवन स्पेस सेंटर, हमारे मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन का नाम बता दीजिए. मतलब आपको वाइल्ड गेस बताओ, किसके नाम पे रखा होना चाहिए. सर नाम चेंज करके तो एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. हाँ, तो बस रखा गया, बदल दिया, बस नाम बदल गया, तो वही है. ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन. ठीक है, नहीं भी याद हो तो बाय डिफॉल्ट इससे अच्छा गैस आप नहीं मार सकते. ठीक है, अच्छा गैस नहीं मार सकते. ठीक है, खैर आजकल फोटोज वोटोज से देख के नहीं पहचान पाओगे, कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली है किस चीज के लिए और है किसकी, वरना तो आपको तो होगा ना कि मार पता लगा डॉक्टर कलाम के नाम पे लॉन्चिंग स्टेशन है और आप कंफ्यूज हो, कह रहे ये तो दूसरे मिसाइल मैन की फोटो है बड़ी वाली. ठीक है, आप बोलोगे कि द न्यू मिसाइल मैन लॉन्चिंग स्टेशन, है ना. अब कुछ इंडिया में कभी नहीं है सर, इंडिया में तो जिसका जो काम करता है उसी की फोटो लगती है. इंडिया में नहीं करते ऐसा कभी, दूसरी कंट्रीज वाले कैसे कर लेते हैं, है ना. वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आया. व्हीलर आइलैंड पे है, ये है बैरन आइलैंड, उसको बोलते हैं व्हीलर आइलैंड. और सुन लो थोड़ा, ईस्ट चंडीपुर कोस्ट उड़ीसा, ये यूपीएससी के क्वेश्चन आया था. एक क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सी जगह है जहां पर टाइड्स इतने लो हो जाते हैं कि कई किलोमीटर तक वाटर नहीं मिलता.
ठीक है, तो दैट वॉज द चंडीपुर क्वेश्चन। क्वेश्चन इसीलिए आया था क्योंकि वहां पर उस साल जो वो था व्हीलर आइलैंड था, उसका नाम रख के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन रखा गया, ठीक है, इसीलिए वो न्यूज में था। समझ में आ गया। इंडिया ने लॉन्च करी है ईओएस 1, ईओएस 3 लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मैल फंक्शन हो गई, इसलिए लिफ्ट ऑफ नहीं हो पाया। ईओएस 1 क्या है, देखिए पहले ना हम जो जिस सैटेलाइट का जो काम होता था ना उसके नाम पर रखते थे। मान लिए कोई सैटेलाइट है जिसको टोपोग्राफिकल काम करना है, उसका नाम रखा है कार्टोसेट। ओशन के लिए काम करना है तो उसको नाम रखते ओशन ओशन सेट। रिसोर्स के लिए काम करना तो करना था, फाइंड करने के लिए काम करना, उसका नाम रख दिया रीसेट। अब लेकिन उन्होंने नया चेंज करा है, इन्होंने अब जो नेमिंग है चेंज करके उसको नाम रख दिया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो यूएस 1 लॉन्च हुई है, ये कौन से ऑर्बिट में ऑपरेट करेगी, कौन से ऑर्बिट में ऑपरेट करेगी, लो अर्थ ऑर्बिट। तीन ऑर्बिट होती है ना, लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और तीसरी जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट या जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। 3600 किलोमीटर पर जो होती है ना, सॉरी 36,000 किलोमीटर पर जो होती है, दीज आर द ऑर्बिट्स। इसका काम क्या है, एडवांटेज क्या है, इमेजिन करेगी, ठीक है, अर्थ को ऑब्जर्व करके आपको इमेजेस प्रोवाइड करेगी, रिसोर्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। जितनी भी एक सैटेलाइट होती है ना, इनसेट सैटेलाइट होती है या फिर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है, दो टाइप की सैटेलाइट होती है। याद है कुछ कुछ याद है आप लोगों, नहीं तो नोट्स अब आपने बेसिक नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। अब जो ये लॉन्च हुई है, ये लॉन्च हुई है पीएसएलवी से, ठीक है, दिस वाज लॉन्च थ्रू पीएसएलवी। तो कितने टाइप के लॉन्च व्हीकल होते हैं, एक होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विद एक्स्ट्रा लार्ज मोटर्स, एक होता है जियो स्टेशनरी और जियो, हाँ जियो स्टेशनरी होता है ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, वो मार्क 2 है, दूसरा है मार्क 3, ठीक है, ये सारे आपके लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। तो इनको पढ़ लेना, नोट्स में दिया हुआ है, नोट्स में दिया हुआ है। 55th फर्स्ट मिशन था, ये ध्यान रखिएगा, यूएस 1 वाज द 51st फ्लाइट, 51st फ्लाइट ऑफ पीएसएलवी C-49। ये सारा दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से मतलब रीडिंग लगाइएगा, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, रॉकेट साइंटिस्ट नहीं बनना है। वेरी गुड। अब इंडिया ने एक एंटिटी बनाई है, इंडिया ने एक एंटिटी बनाई है जिसका नाम है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसका नाम शॉर्ट फॉर्म क्या है, इनस्पेस। ये किस लिए बनाया गया है, टू बूस्ट प्राइवेट पार्टिसिपेशन, ठीक है, इट इज एस्टैब्लिश्ड टू बूस्ट प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द स्पेस एक्टिविटीज। अभी क्या इसरो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट, लेकिन अब चाहती है कि लोग प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं वो भी सैटेलाइट डेवलपमेंट करें, इट विल बी गुड फॉर अस। तो नहीं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए एक एंटिटी बनाई है, दैट इज कॉल्ड एज इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर। नाउ इट विल फंक्शन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विच इज अंडर इसरो, नहीं पीएमओ, हाँ, विच इज अंडर पीएमओ। इट विल हैव इट्स ओन चेयरमैन एंड द बोर्ड। ये क्या करेंगे, इट विल रेगुलेट एंड प्रमोट बिल्डिंग ऑफ रूटीन सैटेलाइट्स, रॉकेट्स एंड कमर्शियल लॉन्च सर्विसेज थ्रू इंडियन इंडस्ट्री एंड स्टार्ट। मतलब ये नए मिशंस के लिए नहीं, रूटीन सैटेलाइट्स है या कमर्शियल सैटेलाइट्स है, ठीक है। मान लीजिए आपको अपना नया सैटेलाइट टेलीविजन चैनल खोल, मतलब वो खोलना है,
सैटेलाइट प्रोवाइडर जैसे एयरटेल है, टाटा स्काई है, ठीक है, आपने सोचा हम अपना भी कुछ बनाएंगे, तो आपको उसके लिए लॉन्च करने के लिए, सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए चाहिए ना कुछ, आप सैटेलाइट बनवाए इसरो से तो टाइम लगेगा, इसरो इज ऑलरेडी वेरी बिजी, तो आपने एक प्राइवेट प्लेयर पकड़ा, उसने सैटेलाइट बनाई और उसको हेल्प करने के लिए वो बन गया हमारे लिए एक एंटिटी इन स्पेस, आपका फायदा, इनका भी फायदा एंड वो जो स्टार्टअप है उसका भी फायदा। अब इसके क्या है, इसके डायरेक्टरेट्स, डायरेक्टरेट्स होंगे फॉर टेक्निकल लीगल सेफ्टी सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड एक्टिविटी प्रमोशन। इट विल एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन इसरो एंड प्राइवेट पार्टीज and provide the best way to utilize Indian space resources and increase space-based activities. So in space, एक तरीके से private sector और ISRO के बीच में एक interface है, लेकिन it is not under ISRO, it is autonomous. बहुत अच्छे समझिए, it is not a department of ISRO, it is autonomous, functioning parallelly, but it will function as an interface. It will function as an interface. Okay? समझ में आया? Very good. इसरो, लेकिन फाइनल जो बड़े बड़े डिसीजन है वो लेगी इसरो ही, इसरो के नाम पे डिसीजन नहीं ले सकते। ये ओनली ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी इसरो के अलावा, इट इज द सेकंड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट इन द लास्ट टू इयर्स, अदरवाइज नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड। नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है, इट इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फॉर द कमर्शियल पर्पसेस। इसरो की एक कमर्शियल आर्म है अंतरिक्ष, ठीक है, उसी को सपोर्ट करने के लिए एक और कंपनी बनाई गई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जिसका नाम रखा गया NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इट इज फॉर द कमर्शियलाइजेशन ऑफ द सैटेलाइट बिजनेस। ओके, वेरी गुड। अब इंडिया को, अब आपसे पूछा ना पहले लॉन्च पैड के बारे में, इतना क्यों पूछा, क्योंकि दूसरा बना है पहले से क्वेश्चन आ जाएगा। UPSC की बहुत बुरी आदत है ना, बना है नया दूसरा और क्वेश्चन आ जाएगा पहले से। नया कहां बना है, टूटीकोरिन डिस्ट्रिक्ट, टूटीकोरिन का नया नाम है टूटीकोडी, टूटीकोडी डिस्ट्रिक्ट इन विच स्टेट, इन विच स्टेट, तमिलनाडु और केरला, केरला, वेरी गुड बेटा। यहां है देखो, यहां बॉर्डर खत्म हो रहा है केरला का, तो तमिलनाडु, तो एक और क्वेश्चन ये हो गया, कहां बना है, तमिलनाडु में। पहला है लॉन्च पैड, रॉकेट लॉन्च पैड नहीं, दूसरा है, ठीक है, दूसरा है। किसके लिए पर्पस करेगा, बेसिकली फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इट विल बी द सेकंड वन, श्रीहरिकोटा इज द फर्स्ट वन एंड इट हैज टू लॉन्च पैड्स। अब टूटीकोडी क्यों चूज किया है, देखिए अगर हम श्रीहरिकोटा से मिसाइल लॉन्च करते हैं, ठीक है, श्रीहरिकोटा से मिसाइल लॉन्च करते हैं तो वो किधर से जाती है, हवा में तो जाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मान लीजिए अगर हमने यहां से लॉन्च करी और वो यहाँ पे, यहाँ वो सीधे गई, क्योंकि सीधी जाएगी और यहां पर हमारा मिशन फेल हो गया, तो डेबरी कहाँ गिरेगा, श्रीलंका के ऊपर। क्या करना चाहिए हमें किसी कंट्री के साथ, नहीं करना चाहिए, बहुत गलत चीज है। तो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं डॉग लेगिंग, इसको बोलते हैं डॉग लेग मैन्यूवर। हमारी जो सैटेलाइट लॉन्च होती है तो हम उसको सीधा जाने की बजाय उसको ऐसे कर्व देते हैं जिससे वो इस डायरेक्शन में जाए। इसके लिए क्या लगता है, रिसोर्सेज ज्यादा लगती कि नहीं लगती है, वेरी गुड। लेकिन अगर हम टूटीकोरिन से अपना मिसाइल लॉन्च करेंगे, वो सॉरी रॉकेट लॉन्च करेंगे, तो वो सीधा भी गया तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, तो फ्यूल सेव होगा, लोकेशन भी सही है, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यही पर्पस है बनाने का। दूसरा, ये क्लोज है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के, जहां पर हमारा जो सेंटर है इसरोज लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर, दैट इज इन तिरुवेनली तमिलनाडु, उसी के पास है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है, एंड अर्थ इक्वेटर के भी पास है, तो काफी नीचे आ गया ना इक्वेटर के पास, और इक्वेटर से तो लॉन्च होती है जनरली, हमें जो सैटेलाइट लॉन्च करनी पड़ती है, जो हमारी जीएसएलवी सैटेलाइट है, जीएसएलवी समझते हैं, जियो से जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं, तो कहां से लॉन्च होती है बताओ, नहीं इक्वेटर से तो होती है, कहां से, नहीं पता, हाँ
नहीं पता हमारा मार्स मिशन कहाँ से लॉन्च हुआ था? अच्छा किस टाइम लॉन्च किया था हमने, दिन में कि रात में? अच्छा ये बता, ये बता दो जब हमारा, चलो चंद्रयान टू बता दो। बड़ी सैटेलाइट लॉन्च जो है इंडिया से नहीं होती है, क्लोज टू इक्वेटर करते हैं जिससे अर्थ की स्पीड का एडवांटेज मिले, ठीक है, जिससे हमें अर्थ की स्पीड का एडवांटेज मिले। एंड ये भी तो पढ़ा होगा ग्रेविटी टुवर्ड्स द पोल बढ़ती है, पढ़ा है कुछ ऐसा? कुछ पढ़ा है? वेरी गुड। तो अर्थ इक्वेटर में सबसे कम रहेगी ग्रेविटी, है ना, और ग्रेविटी अगर कम है तो हमारा फ्यूल कम लगेगा, हमें एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए एक जगह है जिसको बोलते हैं फ्रेंच गाइना, साउथ अमेरिका के एकदम बॉर्डर पे, मतलब साउथ अमेरिका जहां शुरू होता है बस वहीं पर है फ्रेंच गाइना, वहां से लॉन्च है, दैट इज द लॉन्चिंग स्टेशन, इक्वेटर पर है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये बेनिफिट होता है प्रॉक्सिमिटी टू अर्थ इक्वेटर, ये बताया गया स्पीड जो है हेल्प करती है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको अर्थ इक्वेटर का, और अगर मिशन फेल होता है डेबरी भी बे ऑफ बंगाल में गिरेगा तो कोई हमारे सॉवरेन इश्यूज नहीं होंगे या किसी कंट्री से हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके के गाइस, तो नया हमारा सेटल रॉकेट लॉन्चिंग पैड कहाँ बना है? तूतीकुड़ी, मतलब बींग सेटअप है, फंक्शनल नहीं हुआ है लेकिन बन जाएगा जल्दी जल्दी, होप वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। तो तूतीकुड़ी तमिलनाडु, वो दिक्कत, वेरी गुड। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने तीन मैसिव सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, ठीक है, तीन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के मर्जर को रिकॉर्ड किया है, डिटेक्ट किया है पर्टिकुलरली, थ्री सुपर मैसिव ब्लैक होल को इन्होंने डिटेक्ट किया। किसने किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि जो तीनों ब्लैक होल है, तीनों ब्लैक होल है, दे आर मर्जिंग टूगेदर, सुपर मैसिव होता है, और ये जब ऐसा होता है तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम लोगों इसको रिकॉर्ड किया, ठीक है। ब्लैक होल होता क्या है? ब्लैक होल होता क्या है पता है आप लोगों को? सर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी और मास इतना ज्यादा है कि उसे ग्रेविटेशनल फील्ड से बच नहीं सकता है आसपास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक इनफाइनाइट डेंसिटी का रीजन होता है जिस इतनी ज्यादा जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है जितनी ज्यादा है, इवन लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, ठीक है, लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट। तो ये ब्लैक होल नहीं है, समझो, ये जो हमें दिखता है ये ब्लैक होल नहीं है, ये जो बस एक की आउटर लेयर है ना, इस आउटर लेयर को इवेंट होराइजन बोलते हैं, ठीक है, मतलब इस रेंज के बाहर कुछ नहीं निकल सकता, ये है कि अगर आपने ये पार कर दिया तो खेल खत्म, ये पार कर दिया तो खेल खत्म, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेविटेशन उसकी बाउंड्री, दिस इज द इवेंट होराइजन, इवेंट होराइजन, इसकी डेंसिटी होती है इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट, एंड जो उसके अंदर कैप्चर हो जाता है, जो अंदर कैप्चर हो जाता है वो एक सिंगल पॉइंट बन जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी, उसको बोला जाता है सिंगुलैरिटी करंट। बहुत ज्यादा साइंस से दिमाग लगाएंगे तो नहीं समझ में आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो दुनिया के जो बड़े बड़े थियोरेटिकल फिजिस्ट वो कर रहे हैं तो उनमें और हमें क्या फर्क रहेगा, ठीक है। तो यूपीएससी इतना डिटेल में नहीं पूछती है, यूपीएससी पूछती है कि ये है क्या, आप समझिए कैसा जो है which is having such strong gravitational force that even light cannot pass through, मतलब light cannot escape its, light भी अगर अंदर चली तो darkness खत्म करनी, इसीलिए तो बड़ा मुश्किल होता है ब्लैक होल को डिटेक्ट करना, क्योंकि जो लाइट भी नहीं निकलने दे रहा वो डिटेक्ट कैसे करोगे, ठीक है, वेरी गुड। अब पहली बार सन के कोरोना का मैग्नेटिक फील्ड जो है रिकॉर्ड किया गया,
फॉर द फर्स्ट टाइम द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोरोना वॉज रिकॉर्ड. कोरोना के मैग्नेटिक फील्ड को रिकॉर्ड करने का क्यों हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि कोरोना के नीचे एक और लेयर होते हैं जिसको बोलते हैं प्रोटोस्फेयर. ठीक है, कोरोना के नीचे एक और लेयर होती है प्रोटोस्फेयर. लेकिन लेकिन प्रोटोस्फेयर का टेम्परेचर इज ओनली 5700 डिग्री सेल्सियस. ओनली 5700 डिग्री सेल्सियस. लेकिन कोरोना का है 1 मिलियन डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली. तो ऐसा क्या है कि अंदर वाली लेयर का टेम्परेचर कम और बाहर वाली लेयर का टेम्परेचर ज्यादा. तो है ना एक ऐसी चीज जिसके लिए हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत है. इसीलिए साइंटिस्ट दे वांटेड टू रिकॉर्ड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोरोना. कोरोना क्या होती है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमोस्फेयर. इट कंसिस्ट ऑफ हॉट एंड डिफ्यूज्ड आयोनाइज्ड प्लाज्मा. सन्स मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या गवर्न करता है? सोलर साइकिल गवर्न करता है, सोलर इरप्शन गवर्न करता है. ठीक है, सन्स के मैग्नेटिक फील्ड से ही होता है कि सोलर साइकिल 11 ईयर की जो रहेगी वो कैसी रहेगी. देन इट्स का सोलर इरप्शन गवर्न करता है. एंड ऑल्सो कोरोना से जो हम आज तक प्रोटोस्फेयर से बिकॉज ऑफ द लेस टेम्परेचर मेजर कर रहे थे, अब उसकी जगह हम इसके आउटर मोस्ट लेयर से मेजर करेंगे विच विल बी मोर एक्यूरेट. ठीक है, मोर एक्यूरेट. दिस टेक्नोलॉजी दैट दे यूज आर कॉल्ड एज कोरोनल सीस्मोलॉजी. जो मैग्नेटिक वेव्स है जिससे उन्होंने ऑब्जर्व किया है विच आर कॉल्ड एज एल्फिवन वेव्स. तो क्वेश्चन अगर आ सकता है एल्फिवन वेव्स आर रिलेटेड टू, एल्फिवन वेव्स आर रिलेटेड टू okay. So these waves are called as Alphaven waves. Alphaven waves. ठीक है, अब pulsars जिन्होंने detect किए थे, ठीक है, इंडियन डिटेक्ट किए थे, उनकी रॉयल सोसाइटी में एक नई पोर्ट्रेट बनी है एंड हिज नेम वाज डेम जोसलिन बेल बर्न. सिर्फ इसीलिए न्यूज में है कि pulsars इन्होंने डिटेक्ट किए थे. अगर आपको मन करे तो इसको पल्सर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा. अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उनकी पोर्ट्रेट अगर वहां पर लगी है तो डेट मीन्स दैट पर्सन इज ऑलरेडी वेरी फेमस. आपको पल्सर्स के बारे में अगर जानने की इच्छा हो तो पढ़ लीजिएगा. पल्सर्स क्या है? दे आर टाइप ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार. चंद्रशेखर लिमिट थी. चंद्रशेखर लिमिट की क्या होती है पता है? कोई भी स्टार विच 2.4 टाइम्स द चंद्रशेखर लिमिट, वो न्यूट्रॉन स्टार की तरह एक्सप्लोड हो सकता है और उस एक्सप्लोजन को बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन. ठीक है, ये सब बहुत बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप लोगों ने पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं, अगर अभी तक याद नहीं तो अभी याद नहीं हो, है ना. गगनयान के बारे में जानते हैं? गगनयान के बारे में जानते हैं? मैन स्पेस मिशन है इंडिया का. वेरी गुड. वेरी गुड. इंडिया ने अभी तक कोई भी अपने मिशन में किसी ह्यूमन को नहीं भेजा है स्पेस में. तो वी आर प्राइम मिनिस्टर वार प्राइम मिनिस्टर अनाउंस in 2018 15th August and we'll be sending our mission on our 75th anniversary of independence, that is 15th August 2022. So that is our mission called as Gaganyaan mission. But because of certain delays our mission is running late. Is test karne ke liye pehla uncrewed mission bheja jayega. Uncrewed mission bheja jayega so that to identify whether the reusable vehicle or the space capsule is functional or not. Iske liye एक टेस्ट किया जाएगा. इसमें अनक्रूड मिशन जाएगा पहले, इसमें कोई नहीं जाएगा, फिर बाद में ह्यूमन मिशन जाएगा.
अब क्या है गगनयान का, टू डेमोन्स्ट्रेट द कैपेबिलिटी टू सेंड ह्यूमंस टू लो अर्थ ऑर्बिट. इट विल बी गोइंग टू द लो अर्थ ऑर्बिट, इट इज नॉट गोइंग टू मून और एनी अदर प्लेस. इट विल ओनली बी ऑर्बिटिंग इन द लो अर्थ ऑर्बिट. इट विल ब्रिंग द crew members back to the earth safely, and it will be there for 5 to 7 days. The crew will be of 3 members, and the spacecraft will be placed in orbit of 300 to 400 kilometers. ठीक है, ये गगनयान के से related news है. ये बाकी सब चीजें जो missions हैं ये launch कर चुके हैं, तो ISRO is capable to do that also. अब gravitational waves, gravitational waves के बारे में जानते हैं क्या? आप ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में जानते हैं? हाँ बताइए. नहीं जानते हैं? ओह माय गॉड, फिर तो क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब किस तरीके से आप किस पर्पस के लिए आप लोग यूज करते हैं? दीजिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए. मिल गया था वो ग्रुप पर आंसर दीजिए. नहीं देंगे. चलिए हम पढ़ते हैं. लीगो, लीगो फुल फॉर्म लीगो इज लेजर इंटरफेरोमीटर. एक ऑप्शन है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इज अ लार्ज स्केल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट and observatory to detect cosmic gravitational waves and to develop gravitational waves observation as an astronomical tool. The initial LIGO observatories were funded, conceived, built and are operated by NASA. ठीक है, ये क्वेश्चन है. ठीक है, ये क्वेश्चन है. आपको क्या लगता है क्या आंसर है इसका? सी. वेरी गुड. क्यों लोड लेना है? देख अब बताओ. अब
आपको ये क्यों लगता है कि वर्ल्ड में जो भी काम होगा नासा ही करेगी? ये बताइए आपको ऐसा क्यों लगता है वर्ल्ड में जो भी अच्छा काम है नासा ही करेगी? कहीं लाइन लास्ट नासा लिखा है? मान के चलते हैं हम लोग कि हाँ अच्छी चीज तो नासा ही होगी, बेकार है तो है ना, बेकार है तो इंडिया इंडिया भी हो सकते हैं। हाँ जी, अब बताइए आंसर क्या होगा इसका, पढ़ के बताइए। अच्छा ए होगा, ए होगा बस, इसलिए हमने वो चीज नहीं पता सर होगा। ऑब्जर्व कर रही है, सर ऑब्जर्वेटरी है तो डेवलप तो करेंगी नहीं, वो क्या डेवलप कर रही है? ग्रेविटेशनल वेव। यहाँ आपके लिए कुछ और ढूंढ रहे हैं इसके लिए, ये तो है ही। एलिसा प्रोजेक्ट के बारे में सुना है? हाँ, ELISA, एलिसा। ELISA, एलिसा। ये भी आया हुआ यूपीएससी में क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड क्या हुआ। एंटी वोल्टेज डिटेक्ट प्रोजेक्ट के भी नहीं, सॉरी, लीगो साइंटिफिक कोलैबोरेशन मेड अ डिस्कवरी डिस्ट्रक्शनल वेव, मतलब ग्रेविटेशनल वेव कब प्रोड्यूस होती है? जब कुछ भी बहुत बड़े रिपल्स होते हैं, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, कोई बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप पानी में कभी पत्थर फेंकेंगे तो रिपल्स आते हैं ना, आते हैं रिपल्स। ऐसे ही ये पूरे वर्ल्ड को, जो यूनिवर्स है, ये आप कंसीडर ग्रेविटेशनल वेव्स को प्रूव करने के लिए दे कंसीडर द होल स्पेस टाइम एज अ स्पेस फैब्रिक, यानी कि एक ऐसा जो है ये उसे बेडशीट की तरह समझिए, बेडशीट जिसके चारों कोनों से उसे अटकाया गया हो एंड उसको लटकाया हुआ है, उस पर अगर आप कुछ भी फेंकेंगे तो रिपल्स दिखेंगे एंड दीज रिपल्स गो विद द स्पीड ऑफ लाइट।
दिस रिपल्स गो विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो वो रिपल्स डिटेक्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ यूनिवर्स में वायलेंट प्रोसेस हुआ था या हो रहा है, ठीक है, दीज आर द ग्रेविटेशनल वेव्स। तो अभी लीगो साइंटिफिक कोलैबोरेशन ने डिस्कवरी करी है ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव्स थ्रू अ न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल मर्जर, डिस्कवरी करी, ठीक है। अंटिल नाउ ओनली लीगो वर्गो कोलैबोरेशन ने डिटेक्ट किया था, नाउ दिस अ हाइब्रिड कोलिजन। पहले ब्लैक होल का होता था, स्टार स्टार का होता था, और जो है न्यूट्रॉन स्टार का होता था। पहली बार हाइब्रिड कोलिजन को डिटेक्ट किया ऑफ द न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल, ठीक है। दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, पहली बार प्रपोज्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन इन देयर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। द फर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव वाज डिटेक्टेड बाय लीगो इन 2015, उससे पहले इट वाज ओनली अ थ्योरेटिकल कांसेप्ट, इट वाज फर्स्ट द फर्स्ट टाइम डिटेक्टेड इन 2015। अब लीगो साइंटिफिक कोलैबोरेशन क्या है, इट वाज फाउंडेड इन 1997 एंड इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1000 साइंटिस्ट ऑफ ओवर 100 इंस्टीट्यूशंस एंड 18 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। Its focus is to detect gravitational waves. These observatories are located in Germany, Hanford, मतलब in Germany, one is in Germany and two are in USA. LIGO is also developing its one project in India that is called as LIGO India project. It is scheduled to be developed or functional by 2024. It is scheduled to be functional by 2024. It is being built in Hingoli district in Maharashtra. It is an international collaboration of LIGO laboratory and three lead institutions in India. That is, LIGO India is a consortium of Indian Institute of Plasma Research, Gandhinagar, IUCA Pune, and Raja Ramana Center for Advanced Technology, Indore. Okay, India may be LIGO ka ek center bana hai, that is called as LIGO India. Okay, samajh mein aaya? नहीं समझ में आया तो जितना है उतना समझ लीजिए, अगर ये इतना आसान होता समझ में आना। ठीक है, तो इसको इतनी मेहनत नहीं लग रही होती, इतने 1000 साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं इसको पूरे वर्ल्ड में, यानी कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अब मीथेन जो है फाउंड हुई है मून्स, खाली मून पे नहीं रुकना है, मून्स ऑफ सैटर्न में फाउंड हुई है, ठीक है। खाली हमारा मून का मतलब ये नहीं कि हमारा ही मून है, ठीक है, मून्स मतलब सैटेलाइट्स ऑफ एनी प्लैनेट। हमारा एक मून है, सैटर्न के भी दो मून है, सैटर्न के दो मून है टाइटन एंड एनसीडेलस, वहां पर फाउंड हुआ है। दे आर हैविंग अनयूजुअली हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मीथेन। अब अनयूजुअली हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मीथेन से क्या फर्क पड़ता है, दैट मीथेन इज जनरली क्रिएटेड by microorganism that is called as methanogens. तो अगर वहां पर मीथेन है तो हो सकता है वहां पर methanogens भी हो, ठीक है, हो सकता है वहां पर लाइफ भी हो, ठीक है, अर्थ लाइक लाइफ भी हो, क्योंकि अर्थ लाइक लाइफ भी पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए थे, फिर methanogens ने लेटर ऑन ऑक्सीजन को डेवलपमेंट में भी हेल्प करी थी, है ना, तो हो सकता है वहां भी लाइफ हो। तो सैटर्न में फाउंड हुए हैं, सैटर्न में दो मून है टाइटन एंड एनसीडेलस, ठीक है। किसने फाइंड किया, कसीनी ने। कसीनी अभी आज कल में लॉन्च नहीं हुआ, इट वाज लॉन्च इन 1997। इट इज अ मिशन बिटवीन नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड इटालियन स्पेस एजेंसी। पहले फर्स्ट एवर लैंडिंग अकम्प्लिश्ड आउटर ऑफ इन द आउटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है, जुपिटर के बाद आउटर सोलर सिस्टम बोला जाता है। तो जुपिटर के बाद पहली बार लैंडिंग कहीं ना कहीं जुपिटर के आगे, दैट वाज डन बाय द कैसिनी। इट इज द फोर्थ स्पेस प्रोब टू विजिट सैटर्न एंड एंटर द ऑर्बिट। इट इज इट्स डिजाइन इंक्लूड्स अ सैटर्न ऑर्बिटर एंड अ लैंडर फॉर टाइटन, ठीक है। द लैंडर कॉल्ड ह्यूजेंस लैंडेड ऑन टाइटन इन 2005, यानी कि 2005 में लैंड हो चुका है। ओके, यहां तक समझ में आया, हमारा आज का टारगेट जितना कराने का था उतना टारगेट कंप्लीट हो गया है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पढ़ना तो अननेसेसरी, बस सिलेबस खत्म कराने के लिए पढ़ना है, आपके ऊपर से सब निकल जाएगा। हाँ जी, कोई डाउट है, जो भी आज पढ़ा उसकी रीडिंग लगाइएगा, रट एक एक पॉइंट नहीं रटना है, बिकॉज दैट इज वेरी कंसेप्चुअल, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं आता है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं आता है, बस ऊपर ग्रेविटेशनल वेव्स के अलावा बाकी सब आप ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में जितना जाने उतना कम है, क्योंकि हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है,
लगभग ओके बताइए और कोई डाउट तो वील कंटिन्यू टुमारो विद मोर करंट अफेयर्स है ना. बाय दिस वीक वील बी कंप्लीटिंग साइंस टेक होपफुली. उसके बाद हमारे पास जो है टाइम है वो करंट अफेयर ज्यादा नहीं बचा, धीरे धीरे होले 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 खत्म करेंगे ठीक है. क्योंकि मेजर पोर्शन हो जाएंगे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, साइंस टेक हो जाएगा. बचा क्या? आईआर, सोशल इश्यूज, आर्ट एंड कल्चर, इतना ही तो बचा है. थोड़ा बहुत मिसलेनियस इंटर सिक्योरिटी वगैरह जो भी वो मिसलेनियस में हम करते रहेंगे, वो एक वीक में हमारा सारा खत्म हो जाएगा ठीक है. थैंक यू वेरी मच, विल कंटिन्यू टुमारो.